नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल ड्रीम्स में। तो दोस्तों, आज संडे सीरीज़ में हम जानेंगे महान पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में, जिनका भी हाल ही में कोरोना से निधन हो गया है। तो जानेंगे कि उनका जीवन कैसा रहा और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या महान चीज़ें हासिल की, और उनके बारे में जानेंगे और उन्होंने क्या क्या इस पर्यावरण को लेकर अपना क्या क्या योगदान दिया और लोगों को किस तरह से पर्यावरण के बारे में जागरूक किए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं स्लाइड पे कि सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म जो था वो 9 जनवरी 1927 को हुआ था और ये उत्तराखंड टिहरी गलवार से आते थे और इनकी मृत्यु 21 मई 2021 यानी उम्र करीबन 94 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी ऋषिकेश में एम्स में। और इनकी मृत्यु का कारण बताया जाता है दोस्तों कि ये कोरोना से संक्रमित थी। इनको कुछ दिन पहले खांसी या बुखार आया तो इनको जाँच रिपोर्ट के बाद पॉजिटिव आया और उनकी ऑक्सीजन लेवल लगातार कम होने की वजह से इन्हें आईसीयू में रखा गया और 21 तारीख को करीब दोपहर में इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। और ये एक तरह एक्टिविस्ट थे, इन्वायरमेंट थे और ये गार्डनिंग और इन तमाम चीज़ों का इनका एक रोल था। तो ये देख लीजिए हमारी, ये आप तस्वीर जो देख पा रहे होंगे, ये हमारे स्वर्गवासी श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी की तस्वीर है। और हम आशा करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और हम ये ईश्वर से प्रे करेंगे कि ऐसे तमाम सुंदरलाल जी जैसे पर्यावरणविद देश को दे और लोग पर्यावरण में अपनी मुख्य भूमिका निभाएं और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करें और बताएं कि इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर मैं इनके लाइफ को लेकर अगर थोड़ी सी बात कर लूँ तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको इनके स्टार्टिंग में थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूँ दोस्तों कि ये चिपको आंदोलन से लेके तमाम टिहरी बांध से लेके और सारा बंदी से लेकर तमाम विरोधों के प्रति इन्होंने अपनी मुख्य भूमिका निभाई और विरोधक से इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसका लीडरशिप किया और उसका नतीजा अंत में ये निकला कि सरकार को झुकना पड़ा और ये जो बांध थे चिपकंदर में पेड़ों की कटाई, ये तमाम चीज़ों को रोकना पड़ा। अब इनके जीवन के बारे में थोड़ा दोस्तों जान लेते हैं कि मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि महज 13 साल की उम्र में ही सुंदरलाल जी के मन में कुछ कर गुजरने की प्रेरणा आ चुकी थी और ये कुछ एक महान उपलब्धि हासिल करना चाहते थे। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि इनके मन में इस तरह कुछ अलग करने की धुन सवार हुई कि ये अमर शहीद श्रीदेव सुमन के संपर्क में आए। ये उस समय के, इनके जब उम्र महज 13 साल की थी तो ये उस समय के क्रांतिकारी हुआ करते थे। उसके बाद इन्होंने टिहरी रियासत के खिलाफ बगावत से लेकर सारा बंदी, चिपको आंदोलन, टिहरी बांध विरोध आंदोलन सहित कई आंदोलन की अगुवाई की और पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्होंने बेमिसाल कार्य किया और अपना संपूर्ण योगदान दिया उसमें। और प्रसिद्ध पर्यावरण जो बहुगुणा जी हैं, और इनका जन्म टिहरी के पास मरोड़ा गांव में हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया जनवरी 1927 में हुआ। और जो इनके पिता थे अवंता बहुगुणा टिहरी रियासत के वन अधिकारी थे और वह महज 13 साल के थे जब टिहरी में श्रीदेव सुमन के संपर्क में आए। और इस अवधि में श्रीदेव सुमन टिहरी रियासत के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने बहुगुणा की प्रतिभा को देख कर, मतलब वो 13 साल की उम्र में ही दोस्तों बहुगुणा जी की प्रतिभा को देखा और उनको देख के इनके लग गया था उनको, सुमन जी को, कि इसके इस बच्चे के अंदर कुछ अलग प्रतिभा है और ये कुछ अलग करने का क्षमता रखता है। उसके बाद 1944 में टिहरी जेल में बंद श्रीदेव सुमन की बातें बहुगुणा ने उस वक्त जनता के बीच पहुंचाई इन्वायरमेंट को लेकर, और उससे वो टिहरी रियासत के निशाने पर आ गए और उन्हें हिरासत में ले गया गया। तो दोस्तों, जैसा कि अभी बताया उस समय अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, तो दोस्तों जब ये एक्टिविस्ट के रूप में उभर कर आए तो इन्होंने जब जेल में बंद थे सुमन जी, तो उनकी बातों को लोगों तक पहुँचाया और ये सब चीज़ें टिहरी रियासत को खटक गईं और उसके बाद उनको जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद में दोस्तों बताऊँ जो उनकी पढ़ाई लिखाई जीते, तो उसके बाद बहुगुणा की पढ़ाई के लिए वो लाहौर चले गए बहुगुणा जी, और इस दौरान टिहरी रियासत की पुलिस से बचने के लिए वह कुछ समय तक भेष बदल कर भी इधर से उधर घूमते थे। फिर दोस्तों जून 1947 में लाहौर में वो प्रथम श्रेणी से बीए ऑनर्स में उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर वो वहाँ से टिहरी लौट आए। फिर टिहरी रियासत के खिलाफ दोस्तों उन्होंने सक्रिय रूप से भूमिका निभाई उसके खिलाफ, और 14 फरवरी 1948 में टिहरी राजशाही का तख्ता पलट हो गया, जैसे कि उस समय टिहरी गढ़वाल में टिहरी राजशाही का शासन हुआ करता था और 1948 में दोस्तों टिहरी रियासत का सत्ता पलट हो गया। और
इस सत्ता पलट के बाद कुछ समय बाद तक वो कांग्रेस में भी रहे। फिर वर्ष 1955 में दोस्तों गांधी जी की अंग्रेज शिष्य सरला बहन के कौसानी आश्रम में पढ़ी विमला नौटियाल से उनका संपर्क हुआ। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि विमला से उनसे शादी के लिए राजनीति छोड़ने और सुदूर किसी पिछड़े गांव में बसने के लिए शर्त रखी। मतलब विमला जी के जब वो संपर्क में आए तो विमला जी ने उनसे शादी का प्रस्ताव रखा। शादी के प्रस्ताव के साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि आपको राजनीति छोड़नी होगी और राजनीति छोड़कर आपको मतलब कहीं दूर गांव में जाके हमको बसना होगा। बहुगुड़ा ने शर्त मान तो ली थी दोस्तों, लेकिन 22 मील दूर पैदल चलकर वो एक गांव में झोपड़ी मतलब एक गांव में गए और वहां उस गांव को उन्होंने झोपड़ी में वहां पर रहना शुरू कर दिया। फिर दोस्तों 19 जून 1956 को वह विमला नौटियाल से शादी की और 1960 और 1970 के दशक में बहुगुड़ा ने शराबबंदी आंदोलन चलाया और सरकार के पहाड़ों में शराब की दुकानें बंद करानी पड़ी। 1974 में बहुगुड़ा प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का हिस्सा बने, हरे पेड़ को काटने से बचाना। वर्ष 1981 में केंद्र सरकार में उन्होंने पद्मश्री, अब आप उनको देख सकते हैं सर, उन लोग 1981 में उन्हें पद्मश्री से अवार्ड से नवाजा गया। 1987 में उन्हें राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया चिपको मूवमेंट के लिए। 1986 में जमनालाल बजाट अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। ऐसे तमाम अवार्ड उनको दिए गए और इस एक्टिविस्ट के लिए ये अवार्ड भी काफ़ी छोटे हैं। और दोस्तों इस अवार्ड के साथ साथ उन्होंने कई सारे बुक भी लिखे, इंडिया इम्प्रूवमेंट, इंडिया इन्वायरमेंट, मिथ एंड रियलिटी विद वंदना शिवा, उसके बाद इन्वायरमेंटल क्राइसिस एंड ह्यूमन रिस्क, उसके बाद धरती की पुकार, इस तरह की तमाम चीज़ों उन्होंने अपने किताबों में उकेरा और पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए माध्यम से उन्होंने किताबों के माध्यम अपनाया और लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना उचित समझा। और उनकी किताबों ने काफ़ी अच्छा काम किया और लोगों तक वो अपनी बात पहुँचाने में काफ़ी हद तक सफल भी हुए। तो दोस्तों ये था हमारे सुंदरलाल बहुगुड़ा जी के बारे में काफ़ी कुछ एक संक्षिप्त रूप में जानकारी। और आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताई गई हुई बहुगुड़ा जी के बारे में काफ़ी चीज़ें पसंद आई होंगी। और मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपना इन्वायरमेंट में लेकर अपना योगदान दें, एक पेड़ ज़रूर लगाएं, क्योंकि आप सभी को पता है कि इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। इसी नोट के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।